Swasti Shri Ganeshaya Namaha. Vakratunda Mahankaya Samaprabha Nirvighanam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Sarvamang Mangalye Shive Sarivarth Sadhike Sharanye Trimbake Gauri Narayani Vanshi Vibhushidikaran Vanirdabhad Pitambaradaruna Vimbhafaladharoshta Purnendu Sundaramukhadaravindanetra Krishnat param kimapita tvamaham na jane Shri Radha Muri Swamini Mera Dhe जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन धाम को बार जय जय श्री राधा रमण जय जय नबल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सीताराम कहिए सीता राम 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 कहिए सीता सब गाओ प्रेम से सीता राम कहिए 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 सीता राम कहिए
कहिए सीता राम 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 कहिए राम कहिए सीता राम कहिए सीता राम कहिए राधे श्याम सीता राम कहिए राधे श्याम कहिए सीता राम कहिए सीता राम कहिए सीता राम कहिए राधे श्याम कहिए राम कहिए सीता राम कहिए राधे ताली बजा के हरि बोल कल्प तरु
तड़ी द्विति मिलिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के अनुग्रह विग्रह परम श्रद्धेय संत जन परम वंदनीय विद्वत जन श्रद्धामयी भक्तिमती समस्त मातृशक्ति गोविंद की कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले समस्त संगीताचार्य गण मूल पाठ कर रहे परम यज्ञाचार्य गण गोविंद के इस रसमयी सरोवर में बड़े भाव से शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अपना योगदान दे रहे समस्त भक्त जनों का सादर स्वागत है गोविंद की इस रसमयी कथा के विश्राम दिवस में। एक बार प्रेम से बोलो सुख की अपेक्षा शांति का समय जल्दी बीत जाता है। शांति की अपेक्षा आनंद का समय उससे और जल्दी निकलेगा। आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय और जल्दी भागता है। परमानंद की अपेक्षा घनानंद का समय उससे जल्दी निकलेगा। और घनानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय सबसे जल्दी भागता है। जिस भी वस्तु को या जिस भी क्रिया को करने में व्यक्ति को सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति मिल सकती है उस चीज को करने में उसे समय का पता नहीं लगता। कोई बालक पढ़ाई करता है तो 2 घंटे 20 घंटे लगते हैं और कोई खेलने जाता है तो वही 2 घंटे 2 मिनट लगते हैं। 7 दिन के इस समावेश को धार्य करके रखते हुए सभी श्रोता गणों हृदय छू करके बताना पता चला क्या कि 6 दिन निकल गए। 7 मिनट की तरह ये 7वां दिन भी निकल जाएगा। कुछ सीखो कि हमारे जीवन में कभी कोई 8वां दिन आया ही नहीं है। और जिस प्रकार ये 7 दिन 7 मिनट की तरह निकल गए वैसे हमारी जिंदगी 4 दिन 4 मिनट के नहीं 4 सेकंड में निकल सकती है। एक मिनट नहीं लगता, चलता हुआ व्यक्ति गिरकर चला जाता है। 1 मिनट नहीं लगता, सोता हुआ व्यक्ति उठ ही नहीं पाता है। प्रतिपल सगी बहन मनुष्य की मौत आपके साथ चलती है। हर व्यक्ति विशेष को एक बहन सगी बहन की प्राप्ति है जो सगी है जो धोखा नहीं देगी आपको। समय बताकर नहीं आती है लेकिन आती जरूर है। और तुम चाहे राजा हो या भिखारी हो आया है सो जाएगा।
राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा, कोई बंधा जंजी। सबको जाना है, परम पूज्य सद्गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, पूज्य माता पिता को वंदन करते हुए, आइए बड़े भाव से हम कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलो, कृष्ण 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 कहले मन मेरे, जन्म कोटि पाप जाए क्षण में कट तेरे, जगत बावरे के संग बावरो नहरे, भगवत चरणार विंद दृढ़ करके गहरे, बार बार कहत हूं तू सुनत ना ही बहरे, कहत गोविंद सदा आनंद में रहे। उसकी कथा को सुनना सबसे बड़ी संपत्ति है मनुष्य की। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, उसके नाम को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है मनुष्य की। हाँ, कल तो कौन नाम भूले, पौने 8 बज गए आरती करवावे ताई। मेरे भगवान श्री नारायण का कल विवाह हुआ, श्री कृष्ण कल माता रुक्मणी को वरे, और अब तो लाइनें लग गई, सर्टिफिकेट एक बार ही मिलता है। रुक्मणी जाम्बवती सत्यभामा कालिंदी मित्रवृंदा रग्नजीती भद्रा लक्षणा, हाँ 8 पटरानियां कन्हैया की, और इन 8 पटरानियों के होते हुए 16,100 राजकुमारियों को तो बहुमासुर नाम के राक्षस ने बना लिया था बंदी। उन 16,100 राजकुमारियों को छुड़ाकर लेके आए कन्हैया, तो 16,108 हो गए महाराज। बताओ 16,108 लोगों से एक नहीं संभलती। प्रेम से बोलो, हाँ एक भगत जी की 2 पत्नियां थी, एक चरण पकड़ के खींचती कहती मेरे लिए ये नहीं लाए, एक और खींचती कहती मेरे लिए ये नहीं लाए, तुम तो उसी के साथ समय बिताते हो ज्यादा। रात को चोर चोरी करने आया उस भगत जी के घर पे और देखा इसकी तो गति इतनी बुरी है, डांट खा रहा था अपनी दोनों पत्नियों से, बीच में बैठा बेचारा मरता क्या नहीं करता। चोर चोरी करने आया और चोर ने देखा कि मैं चोरी तो बाद में करूंगा, पहले ये तमाशा देख लेता हूं, बड़ा आनंद आ रहा है, आपने वादा किया था आप तो हमको लेकर के जाओगे सिनेमा दिखाने के लिए विवाह के बाद हर महीने हर 2 हफ्ते में, क्या हुआ मेरे से हफ्ता में 3 दिन नहीं बनेगा भोजन, बाहर चलना है, उस वादे का क्या हुआ, इसके साथ ही जा रहे हैं आप घूमने के लिए, हमारे साथ समय नहीं है आपको, तो खूब खिंचाई। और चोर है हाथ से फांसी, चोर है फांसी से हांसी। प्रेम से बोलो राधे राधे। चोर हंसा तो फंसा, चोर ने देखा कि इसकी तो खूब खिंचाई हो रही है, चोर की तो हंसी रुक गई, छूट गई महाराज, पकड़ा गया, बीच लोगों की सभा में चोर को बांध दिया,
है। हंसने वाली बात ये, हंस लो महाराज, प्रेम से बोलो राधे राधे, हम भी हंसेंगे। तो बीच रास्ते में हाथ बांध दिए, भरी भरी हाँ शर्म नहीं आती तुम्हें, चोरी करते हो रात में, ऐसा दंड दूंगा याद रखोगे जीवन भर। तो उस चोर ने कहा जो दंड देना है दे दो, मंजूर है, लेकिन वो दंड मत देना जो इस व्यक्ति को मिला है। कौन सा? बोले दो पत्नियों वाला। भैया हम तो जिंदगी में नहीं करे दो विवाह, हम तो विवाह नहीं करेंगे, जाएंगे ही नहीं किसी के विवाह में हम तो। हाँ उस चोर की, उस भगत जी की तो दो पत्नियां थी, लेकिन हमारी 10 पत्नियां हैं। ये आंखें कहती है कि हमें सुंदर दृश्य चाहिए, ये नासिका कहती है कि मुझे तो गुलाब का इत्र मंगवा कर दो। इस कान रूपी पत्नी ने तुमसे कहा है कि मैं तो गजल कवाली सुनूंगी, मुझे लोगों की हंसी सुनने में ज्यादा आनंद आता है, प्रेम से बोलो। ये कान ये कहती है, ये मुख ये कहता है कि मैं तो गाने गाऊंगी साहब, कभी बदनामी कर देता है कभी स्तुति कर देता है मुख। ये चमड़ा, इसे डनलप के गद्दों पर नींद आती है साहब। ये पत्नी जो चमड़े रूपी पत्नी है हमारी, ये कहेगी कि मैं नहीं सो सकती, जमीन पे बैठ नहीं सकती, मुझे कुर्सी चाहिए। चरण रूपी पत्नी कहती है कि भैया हम परिक्रमा नहीं लगा सकते ज्यादा, बैठे रहेंगे बस घर में, डबल बेड पे चैनल चेंज करेंगे, भगवान के विमान आएंगे हमको लेके जाएंगे, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाथ रूपी पत्नी ने कहा कि हमसे फूल माला नहीं बनेगी, हमसे घर में भोग नहीं लगेगा, हम तो इन हाथों का प्रयोग सिर्फ ताश खेलने में लगाएंगे। हाँ और दो मलमूत्र आदि की जो इंद्रियां हैं, जिब्वा, इसे हल्दीराम का अन्नपूर्णा के, हमारे दिल्ली में तो मुझे तो एक ही नाम पता है महाराज, बिट्टू टिक्की वाला, प्रेम से बोलो राधे राधे। बस वहां जाएंगे, कैनॉट प्लेस चले जाएंगे घूमने, चांदनी चौक के पराठे खाएंगे, जीप तो यही चाहती है। लेकिन इन पत्नियों को वश में अगर करना है तो इन पत्नियों की प्रत्येक बात कृष्ण की ओर मोड़ो, इन आंखों को चस्का विदेश का लगे न लगे इसका लगाओ, विदेशी चस्का निकल जाएगा, अपने आप निकलेगा। मन करेगा घूमने का भी अगर तो ज्यादा नहीं, एक बार इस कानों को चस्का गजल कवालियों का लगा है अगर तो बिल्कुल लगा रहने दो, लेकिन सिर्फ उसी का लगा है। एक बार इसकी कथा को सुनो, लोग हंसेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ कोई अगर तुम्हारी बदनामी भी कर रहा होगा तो भी नहीं सुनाई देगी तुम्हें वो बातें, प्रेम से बोलो। इन पत्नियों से बचो साहब, 16,100 राजकुमारियों को छुड़ाया कन्हैया ने भौमासुर के कैद से, तो 16,108 पत्नियां हो गई। महाभारत के वो वीर योद्धा अंगराज कर्ण और दुर्योधन को भंडार सौंपा गया, भीम भोजन करवा रहे हैं लोगों को, जो कर सकता है वही करवा सकता है। हाँ
जो बेचारा खुद ही डेढ़ रोटी खाए वो सामने वाले को दो भी नहीं खिलाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। पत्तल डाल रही है द्रौपदी, कन्हैया ने तो जूते चप्पल की जिम्मेवारी अपनी ओर ली है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उस काम को सही ढंग से करने वाले लोग बड़े होते हैं। घाव कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उस घाव पर मरहम लगाने वाले लोग बड़े होते हैं। जूते चप्पल की जिम्मेवारी गोविंद ने ली, जो सृष्टि का मालिक है वो लोगों के जूते चप्पल उठा रहा है, और हमें सम्मान देंगे तो ही हम आएंगे, नहीं तो बिना सम्मान के हम कहीं नहीं जाएंगे। तो सम्मान मांगी नहीं जाती है। अगर आप सम्माननीय योग्य हो, सम्मान के काबिल हो, तो महाराज बिल्कुल आपको मिलेगा। लोग कहेंगे कि आइए विराजिए, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को साथ। किसी कब्र के बाहर एक बड़ी प्यारी बात लिखी थी कि इसके अंदर वो लोग समाए हुए हैं जो कभी ये सोचते थे कि उनके बगैर दुनिया नहीं चलेगी। प्रेम से बोलो। तो भंडार सौंपा गया। इसी यज्ञ के बीच में द्रौपदी ने दुर्योधन से कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा, महाभारत छिड़ गया था, धर्म युद्ध। जरासंध का उद्धार मेरे बिहारी जी ने भीम के माध्यम से करवाया, छल से कराया था। इशारा किया कन्हैया ने कि देखो ये तिनका है, तिनके के दो भाग किए और ऐसे। तो पहले तो जब भीमसेन ने देखा तो उसने तो यही देखा कि कन्हैया ने दो भाग किए और फेंक दिया है, ध्यान से नहीं देखा किस ओर फेंका है। फिर जब दोबारा कन्हैया ने दृश्य को दिखाया तो भीमसेन ने पकड़ा और जरासंध का उद्धार हो गया। प्रेम से बोलो। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को वर्णन कर रहे हैं, एक ऐसे शख्स की कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने जीवन काल में सिर्फ श्री कृष्ण का स्मरण किया है। उसके बगैर वो रह नहीं सकता, जिसकी प्रत्येक इंद्रिया जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कह रही है। और सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को वर्णन कर रहे हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम है एक सखा है, नाम नहीं लिया अभी उस सखा का, लेकिन कह रहे हैं कि एक मित्र है, एक सखा है। कैसा है वो सखा? बोले ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम। ब्राह्मण तो है, ब्राह्मण होने के बावजूद ज्ञानियों में अग्रगण्य, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में विरक्तता रखने वाला,
धन के प्रति जिसकी लालसा नहीं है ज्यादा, ऐश्वर्य के प्रति जो ज्यादा उतावला रह नहीं सकता, क्योंकि मन में कृष्ण जो समाया है, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, आत्मा में प्रसन्न चित्त रहने वाला, सदैव बिहारी जी के नाम को गाकर शांत रहने वाला गरीब है, समाज वालों की नजर से गरीब है, लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो उससे अमीर कोई नहीं है। उससे धनवान कोई नहीं है, लेकिन सामाजिक जो लोग हैं, जिन्होंने नोटों को धनवान होने का जरिया समझ रखा है, उनकी नजरों में गरीब है। जितेंद्रिय जितेंद्रिय है, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। उस वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म को अपने हृदय में समाकर रखने वाले वो सखा, जिसका नाम भागवत जी में आता है, लेकिन नाम से मतलब क्या? श्रेष्ठता कर्मों से आती है, आपके स्वभाव से आती है, आपके आचरण से आती है, आपके गुणों से आती है, आपके कलाओं से आती है, आपकी निर्मल उस वाणी से आती है। बंधुओं, भाषा का मतलब ज्ञान नहीं होता। किसी भाषा को अगर कोई व्यक्ति 28 प्रकार की भाषाओं को जानता है, इसका यह मतलब नहीं कि वो ज्ञानी है। कितने ही वो भाषाओं से व्यक्तियों से बात करे, जरूरी नहीं कि वो ज्ञानी होगा। और जिसे एक ही भाषा आए, ये भी हो सकता है कि वो महाज्ञानी हो सके। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। हाँ, भाषा का मतलब ज्ञान नहीं होता। और श्रीदामा जी तो पूजा पाठ करते कराते किसी के यहां चले जाते, नाम लिया सुखदेव स्वामी ने श्रीदामा, जिसके सुंदर दामन को माता रमा ने पकड़ रखा है, थाम रखा है। वो गरीब कैसे, जिसके दामन को श्रीदामा लक्ष्मी ने पकड़ रखा हो साक्षात। और सुदामा अगर कोई कहे तो महाराज सुंदर दामन है जिसका, वो सुदामा, या मेरे सुंदरेश्वर श्री कृष्ण ने जिसके दामन को थाम रखा है वो सुदामा। सुदामा तो हम बोलते हैं, द्वारका में तो लोग श्रीदाम और कृष्ण ही कहते हैं। एक उनकी पत्नी है, पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा,
दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना विगम्य च। पतिव्रता पतिम्प्रा, पतिव्रता नारी तो है, पति की सेवा करने वाली नारी तो वो है, लेकिन मन में एक दारिद्र, वो दरिद्रता की झलक सुशीला के चरित्र को देखकर आ जाती है। सुशीला सोचती है कि सब कुछ नहीं तो कुछ तो दे देते। ये बात सज्जनों बिल्कुल सत्य है कि सुदामा जी के घर में सूर्य नारायण की रोशनी कणकण से आती है, क्योंकि छत ही नहीं है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि पड़ोसी के घर का पानी उनके घर से होकर के ही जा रहा है। कोई इस बात को नहीं झुटला सकता कि सुदामा जी के यहां ओढ़ने को चादर नहीं है, सोने को गिद्दा नहीं है, लगाने को तकिया नहीं है। इस बात में कहीं झूठ नहीं है सज्जनों के उनके यहां अन्न को रखने के लिए कोई बर्तन नहीं है, अन्न खाने के लिए एक दाना नहीं है, वस्त्र नहीं है पहनने के लिए। महाराज ठंड आती है तो गरम गरम चिता भस्म का लेप लगा देते, ठंडी आती तो चंदन लगा देते, और कोई साधन नहीं है। इस गरीबी में रह करके भी सुदामा जी ने अपने आप को कभी गरीब समझा नहीं। बोला, मुझसे सुखी व्यक्ति संसार में दूसरा कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा कृष्ण मेरे साथ है। उस सर्वोच्च सत्ता के साथ मैं रहता हूं तो मेरा कौन क्या बिगाड़ता है। प्रेम से बोलो, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपतिम् ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च सखा सात्वतर्षभ। सुशीला आई है आज सुदामा जी से कहा, सुनिए नाथ, 5 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला है, पूजा पाठ करने जा रहे थे आप हफ्ते 10 दिनों से, वो भी नहीं जा रहे। हाथ जोड़ के विनती है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, उन बच्चों के सामने मैं पात्र में जल रख करके घुमाती रहती। उन बच्चों को लगता कि मां कुछ बना रही है, इस चाह में वो बच्चे रहते कि मां कुछ पकाकर हमें खिलाएगी, और इस चाह को हृदय में रखते इंतजार करते 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 उन्हें नींद आ जाती, वो सो जाते, लेकिन मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाती। लेकिन नाथ आपको कुछ करना होगा, कुछ नहीं है हमारे पास में, आपको समझ में नहीं आ रही। और छोड़िए ये सब बात, हमें कहीं से खबर पड़ी है कि द्वारका के जो नाथ है ना, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, वो आपके बचपन के सखा है। हाँ, क्या बात कर रही हो देवी तुम, बचपन का सखा? अरे वो तो यार है मेरा, लंगोटिया यार है। प्रेम से बोलो, आज श
सुदामा जी ने उस माता सुशीला से कहा, यार है मेरा लंगोटिया बचपन का, क्या बात है, क्या चाहती हो? बोले मैं चाहती हूं कि आप वहां जाए, आप जाएंगे तो वो कुछ हमें धन दे देंगे। बोले देवी, धन की लालसा से भेजोगी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। शर्म नहीं आती आपको मित्र के यहां जाऊं भी तो किसी धन की लालसा से? अरे बंधुओं, आपको पता है जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से धन के लिए रिश्ता जोड़ता है उसके यहां धन की शायद वर्षा हो जाए लेकिन बाद में अकाल पड़ता है। लालसा से किसी के साथ रिश्ता मत जोड़ो, नहीं निभा पाओ तो हाथ जोड़ के चले जाओ साथ। लेकिन किसी भी प्रकार की स्वार्थ भावना से कोई रिश्ता बन नहीं सकता। प्रेम से बोलो, मेरा मित्र है, धन के लिए थोड़ी ना मित्र बनाया था। हाँ, आई एम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन, उस उत्तम श्लोक कृष्ण का दर्शन करने के लिए मैं आज नहीं अभी जाऊंगा। लेकिन धन के लिए कहोगी तो कहीं नहीं जा सकता, परंतु मेरे पास उस मित्र को देने के लिए कुछ नहीं है, खाली हाथ। बोले आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, आप बस बढ़िए आगे, स्नान करके आइए, मैं सारी व्यवस्था करके रखती हूं। सुशीला बुद्धिमान है, बुद्धिमान सुशीला चार घरों में जाकर चार घरों से चार तरह के चावल उधार मांग कर लाई। क्यों? क्योंकि जे तो कभी कहेंगे नहीं कि हम गरीब हैं, वो तो पहचानेगा कि इनके यहां एक तरह के चावल भी नहीं है। और उस चार तरह के चावल चार जगह से फटी पोटली में बांध कर के लाई कि जो वस्त्र है वो भी सिले हुए नहीं है था। चार घरों से उधार मांगा है, भीख नहीं मांगी, ध्यान देना। भीख का मतलब ये होता है कि कोई हमें दे दे, भीख जो हम उसे ये नहीं कह रहे कि हम आपको वापस देंगे, हमने तो उनके सामने अपने शरीर को हार गए, बोले हम कुछ कर नहीं सकते भैया, हमें जीने के लिए भीख दे दो। और उधार का अर्थ है कि अभी नहीं है हमारे पास लेकिन मैं आपको ये वापस कर दूंगी, और कोई बात नहीं, सामने वाला अगर उधार देने योग्य है तो ही मांगना, नहीं तो बेचती ही होगी साहब। प्रेम से बोलो, लोग बेचती कर देते। इसलिए सुदामा जी के मन का तो भाव मांगन मरण समान है। मेरे लिए तो मांगना मरने के समान है। लेकिन गए स्नान करने के लिए, वापस आए तो चार जगह से फटी पोटली में चार तरह के चावल बांधकर, देवी मैं जा रहा हूं अपने मित्र के पास भजन करना। और आज सुदामा जी अपने उसी मित्र की याद में, आज उसी मित्र की याद में रास्तों पर संतों के साथ चल रहे हैं। तू मेरा यार है, तू मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, तू मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला बाकी बिहारी प्यारा, सावरिया दिल तारा मेरा यार है, मेरे
चुगली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू काली बजा के भाव से है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं ताली बजा के यही तराना। शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सुंदर भाव जय हो। श्याम प्यारे की जय हो। पागल प्रीत की एक ही आशा, श्याम तेरी दर्शन का प्यासा, श्याम तेरी दर्शन का प्यासा, श्याम तेरी दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, श्याम तेरे दर्शन का प्यासा, श्याम तेरी दर्शन का प्यासा, श्याम तेरी दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे में मुझे एतबार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार सुंदर है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है,
राम सलोने तू मेरा रिजवार। ताली बजा के भाव से। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बाकी बिहारी लाल की अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है यार, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सुंदर भाव तालियों की देते हुए महाराज। तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है यार, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, तू मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, तू मेरा दिलदार है। ओए ओए ओए, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिल। बोलो श्री रामा जी, संतों के साथ चले गए थे महाराज, भूल गए कि मुझे द्वारका जाना था। और भूख लगती है, प्यास लगती है,
जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आश भी अब निराश लगती है। सुदामा जी संतों के साथ प्रेम से बोलो, समय जा रहा है, दूरियां बढ़ रही है, द्वारका धीश का पता नहीं चल रहा, केवट बनकर के प्रभु पधारे, सुदामा जी को लेकर नाव से पार लगाई कन्हैया ने, पता नहीं चलने दिया कि मैं हूं, परीक्षा ली और कन्हैया ने ये कह दिया कि पूरी दुनिया बदल गई लेकिन मेरा सुदामा नहीं बदला। किसी से पूछा कि द्वारकापुरी कितनी दूर है, बोले महीना लग जाएगा। हाथ की तकिया लगाई, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम और आगे नहीं आ सकते। भाई जाको राखे साईया मार सके ना कोई, कि बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है जिसकी रक्षा करने स्वयं गोविंद आया हो। एक हाथ की तकिया लगाई, सोचा सब उसके हाथ छोड़ देता हूं, होगी सो देखी जाएगी क्या होगा। आंखें बंद करके शयन करने को जैसे ही गए तो नेत्र जब खुले तो देखा बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि का उच्चारण करने लगे सब। अरे ये नगरी कौन सी है, बोले ये तो द्वारकापुरी है। बोले मेरे कृष्ण की द्वारका, बोले हाँ आपके ही कृष्ण की नहीं सबके कृष्ण की द्वारका है। मेरो लंगोटियो कन्हैया बाइको बाइको ये घर है ना यहाँ पे द्वारकापुरी में रहवे तुम्हारो महाराज, मेरो मित्र है मेरो सखा, मैं बाई से मिलवे आया हूं, जे कन्हैया कोई तो है। बोले हाँ जे तुम्हारो कन्हैया कोई है। महल के सामने खड़े जय और विजय ऐसे द्वारपाल है जिन्होंने कृष्ण की सेवा करने के लिए 7 जन्मों तक देवता होने का स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम 3 जन्मों तक दैत्य बनेंगे, हमें 7 जन्मों तक देवता बनकर के नहीं रहना, क्योंकि 3 जन्मों तक हम दैत्य ही बन जाए लेकिन जितनी जल्दी कन्हैया की शरण में जाएंगे उतना जल्दी हमारा उद्धार होगा। तो हमें 7 जन्मों तक देवता बनकर के रहने का कोई शौक नहीं, हमें 3 जन्मों तक वो दैत्य का पद स्वीकार है, जो कृष्ण से हमें जल्दी मिलाए वो हमारे लिए संपत्ति।
सात जन्मों तक देवता बनकर रहूंगा, फिर आठवें जन्म में जाकर उनकी सेवा मिलेगी। इससे बेहतर है तीन जन्मों तक ही दैत्य बन जाऊं, जो सेवा फटाफट मिल जाए। ये भाव है जय और विजय का। इस जय और विजय ने जब श्री रामा जी को देखा, प्रणाम किया है साष्टांग दंडवत होकर। एकदम झूठ बातें हैं ये कि द्वारपालों ने बेइज्जती करी श्री रामा जी की। और हां, मजाल है किसी की। हमारे घर में आए हुए मेहमानों की हम बेइज्जती नहीं करते, बड़े प्रेम से स्वागत करते हैं। और वो कृष्ण की द्वारिकापुरी में रहने वाले द्वारपाल, देखो जैसा राजा का स्वभाव होगा द्वारपाल का स्वभाव भी वैसा ही कुछ होगा। क्योंकि भैया महादेव के सारे नंदी ही थे, चाहे कोई उनके कितने करीब हो। माता पार्वती तो जगदम्बा है, लेकिन नंदी, उसी प्रकार हमारे कृष्ण के द्वारपाल जय और विजय, जिसने अपनी माता की ऐसी कठिन परीक्षा ली, उन्हीं के छह पुत्रों को जेल में मरवाया जिसने, क्या वो अपने द्वारपालों की परीक्षा नहीं लेगा? जिसने अपनी मां को नहीं छोड़ा परीक्षा लेने में, और कृष्ण के द्वारपाल यानी जो प्रतिपल कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, उस पद पर पहुंचने के लिए तुम्हें कितनी कठिन परीक्षा का प्रमाण देना था। और वो ही व्यक्ति से ब्राह्मणों का अपराध हो जाए, मिथ्या झूठ है ये सब। किसी भी भजन की पंक्तियों में अगर ये लिखा है कि देखो देखो ये गरीबी और महाराज इतनी बेइज्जती करी द्वार, अरे प्रेम से बोलो, गरीब समाज वाले समझते हैं श्री रामा को। कोई गरीब नहीं है वो, उसके पास एक धन है जिसका नाम है कृष्ण। जय विजय ने देखा, ओह महाराज पधारिए, कैसे आना हुआ? बोले हम बड़ी दूर से आए हैं, देखो आपके महाराज श्री का अगर हमें दर्शन हो जाएगा तो हमारा आना सफल हो जाएगा। हम कुछ मांगने नहीं आए, दिखने में गरीब लग रहे होंगे आपको, ठीक है दर्शन कराओ, बड़ी दूर से आए हैं, दो मिनट ही करा दोगे, खिड़की से करके चले जाएंगे, लेकिन दर्शन कराओ। जय विजय ने श्री रामा जी से कहा कि महाराज विश्राम लीजिए, थोड़ा बैठिए आप, जलपान करेंगे कुछ? बोले नहीं, मुझे दर्शन करना है। तुम कहोगे महाराज जी व्यस्त हैं तो मैं उनको नीचे से देख करके चला जाऊंगा, लेकिन मुंह को दर्शन कराए दो तुम। बोले अरे विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम, कि विप्र प्रसादात अजित अजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। श्री रामा जी ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, हमारे महाराज जी को किसी समय की आवश्यकता नहीं है, या उन संतों को किसी समय की आवश्यकता नहीं, जब चाहे आ सकते हैं, मिलकर जा सकते हैं। उनका मानना है कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो वो आज जो कुछ भी है सो है ऐसा, और ये बात बिल्कुल सत्य है। ब्राह्मण, अगर आपकी नजर में कोई ब्राह्मण ऐसा है जो यद्यपि ब्राह्मण जैसा आपको नहीं लगता, फिर भी उसको प्रणाम करो। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और खासकर
दर पे आया हुआ ब्राह्मण तुम्हारे घर से भूखा न जाए। हां, अपमान कभी ब्राह्मण का मत करना, जो दिखे उसे प्रणाम करो साहब। हां, उनके कर्म जैसे हो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। जो दो चार जो बेचारे ब्राह्मण होने का नाटक दिखावा करते थे, थे नहीं बेचारे ब्राह्मण। हां, नाम के आगे खाली राम और पीछे राम लगाने से कोई विद्वान नहीं होता। बेचारे जेल में पड़े हैं, देखो अब प्रेम से बोलो। तो तुम्हें निर्णय नहीं करना है, तुम्हें किसी की निंदा नहीं करनी है। समाज से ज्यादा बलवान समय है, वो अपने आप गवाही देगा। पेट प्यार और पाप कभी छिपता नहीं, एक ना एक दिन तो सामने आएगा। किसी से प्रेम अगर कर रहे हो छिप करके, पकड़े जाओगे। और पत्नी के होते हुए कर रहे हो फिर तो महाराज सर धड़ से अलग हो जाएगा। प्रेम से बोलो। हाँ, सब कुछ करो, किसी के हृदय से खिलवाड़ नहीं। प्रेम से बोलो। जो बेचारे यहां पर ऐसा कर रहे होंगे उनकी तो सांस अटक गई है महाराज की, बाहर निकलूं कि क्या करूं अब। पता चला बेचारे घर ही नहीं पहुंच पाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ओहो, जयवी जय ने कहा भैया रुकिए, आप महाराज कहां बढ़ रहे हैं, आके हम तो दर्शन कराएंगे आपको, चिंता नहीं। अभी बस हमारे महाराज जी भोजन कर रहे हैं और उनको मैं जाके समाचार दूंगा, और जो उनकी आज्ञा होगी सो मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल चिंता नहीं, दर्शन पूरा मिलेगा। जय विजय गए। कन्हैया भोग पा रहे थे। हाँ हाँ, आओ आओ, जय विजय, कैसे आना हुआ? बोले महाराज शीश पगान जगातन पे, प्रभु जाने को आही बसो के गामा। कि धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं क्षमा। के द्वार खड़ो द्विज दुर्बल ए, रहो चुके सो वसुधा भिरामा। के पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज द्वार पे एक ब्राह्मण आए हैं और बड़ी दूर से आए हैं वो। उनके शरीर को देख करके जान पड़ता है कि वो बलवान नहीं है, लेकिन उनके चेहरे की चमक किसी ब्रह्म के तेज से कम नहीं। महाराज ऐसी चमक हमने कहीं देखी नहीं है, हमसे रहा नहीं गया। हमने तो जैसे ही उस महापुरुष के रूप को देखा, हमने तो महाराज प्रणाम तो अपने आप करने लगे, ऐसा उसका हाँ ऐसी तेज, ऐसी चमक, ऐसी आभा प्रभा प्रतिभा उसकी। और सिर्फ आपको आपके नाम को गाते 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 आ रहा है, आपसे मिलना चाहता है। उसने जे भी कहा था, उन्होंने आपके साथ पढ़ाई करी, साथ में खेले हैं, आप दोनों साथ में बचपन बिताया है,
नाम उन्होंने अपना सुदामा बताया और वो ये क्या कहा विजय, यानी द्वार पे सुदामा जी आए हैं और उनको लेके नहीं आए, अंदर लेके नहीं आए, पड़ी हुई थाली सरकाई है कन्हैया ने, छलांग लगाई है बिना पादुका के महाराज, पहली डोरी दूसरी डोरी तीसरी डोरी चौथी डोरी पांचवी डोरी छठी डोरी पार करी, सामने सुदामा जी को देखा, गले से लगाया है और कन्हैया लगा करके रो रहे हैं, देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर के करुणा निधि रोए। उस सुदामा जी की अरे इतनी देर लगा दी आने में, कहां थे आप? बोले लाला मैं तो तेरे साथ ही था, तू तो जानता है मुझे, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता। एक बार तो कन्हैया ने अपने आंखों से निकले हुए आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। उद्धव ये सोच रहे हैं कि फटेहाल ब्राह्मण की इतनी सेवा, रुक्मणी आदि रानियां दौड़ने लगी, कन्हैया कहां जा रहे हैं आप? सब अचंभित है सब। सुदामा जी को लेकर के सिंहासन पे बैठाया जहां स्वयं कन्हैया बैठते। गरीब लोग सुदामा जी को बताते हैं तो मैं उस गरीब का परिचय दे रहा हूं कि वो कितना गरीब है, कि वो उस कुर्सी पे बैठ रहा है जो सृष्टि का मालिक बैठता है, जिस पे गरीब वो है कि हम हमारी सोच चरण धोए हैं कन्हैया ने, भोग पाया दोनों ने। सुदामा जी ने कहा लाला इतने पकवान ना खाऊं मैं। बोले कैसे ना खाएंगे आप, खाना पड़ेगा। बोले तू खाएगा तो ठीक है। कन्हैया ने पा लिया था, फिर सुदामा जी के साथ पाया, मित्रता है, जेना मित्र होई दुखारी तिन्हें विलोकत पातक भारी, हाँ निज दुख सम गिरी रज करी जाना, मित्रक दुख होई मेरु समाना। मित्र तो वो होता है जो अपने दुख को रज के समान समझे, धूरी के समान, और मित्र के दुख को मेरु सुमेरु पर्वत के समान। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं हुआ वो मित्र कैसा? प्रेम से बोलो, वो मित्र कैसा साहब? अच्छा प्रेम से बोल लो, जो मित्र के दुख से दुखी नहीं हुआ वो प्रेम से बोलो, वो आज जाने वाले हैं ना तो जी बेचारे कह रहे मत जाओ, प्रेम से बोलो। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं हुआ वो मित्र कैसा? भोजन कराया, अब बातें कर रहे हैं कन्हैया सुदामा जी के साथ, और सुदामा जी कैसे हैं आप? बोले हम तो एकदम चकाचक हैं लाला, मोते सुखी व्यक्ति संसार में दूजो कोई है ही ना। ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिसके घर में एक अन्न का दाना नहीं है। हम जैसे तो भगवान को मूर्तियों में नहीं छोड़ते मांगने में, उसके सामने त्रिलोकी नाथ खड़ा है और वो यो कह रहा है कि मैं सुखी तुमसे ज्यादा हूं। लोग कह रहे हैं सुदामा जी के नाम को गाते, गरीब है
उनके हृदय में जो भाव कृष्ण के प्रति है वो स्वयं कृष्ण नहीं ला सकते महाराज। हम हमारी और आपकी बात छोड़िए आप। अच्छा श्रीदामा जी आपने विवाह किया? बोले हाँ लाला, मन तो नहीं था लेकिन माता पिता की आज्ञा से हमें करनी पड़ी। तुम्हारी भाभी को नाम है सुशीला। अच्छा श्रीदामा जी विवाह करी तुमने, हमको निमंत्रण ही ना दियो? बुला तो लेते हम, कितना खाते हैं तुम तो जानते हो। श्रीदामा जी ने कही तू तो चुप कर, हमने तो एक करी सो हमने नाए बुलाई, चल गलती हो गई हमारी। तैने कितनी करी? 16108 करके बैठा है और ज्ञान हमें दे रहा है कि हमने नहीं बुलाया, एक में ही बुला लेता। बोले अरे श्रीदामा जी यहां तो सुबेरे तक तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है विवाह करने का, और पता चला कि रात में बीनड़ी रसोई में रोटी बेल रही है। प्रेम से बोलो, यहां तो सब अपने आप ही होता है, न जाने कब। श्रीदामा जी की बातों को सुनकर के श्री कृष्ण इतने आनंदित हुए, अपनी पत्नियों को बुलाया। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं जाम्बवती प्रणाम, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं मित्र वृंदा प्रणाम, चिर सौभाग्यवती भव। एक एक करके पत्नियां आ रही हैं। श्रीदामा जी चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्य। महाराज ऐसे करते करते 500 बीत गए। प्रेम से बोलो, पांच सौ पत्नियां प्रणाम करके श्रीदामा जी को चली गई। और बेचारे श्रीदामा जी चिर सौभाग्यवती भव ऐसे 500 बार कर रहे हैं महाराज। अब मेरा 20-25 में हार जाता है हाथ, उन्होंने तो फिर भी 500 कर लिए। क्या बीती होगी? तो श्रीदामा जी ने कन्हैया को बुलाया। लाला हाँ श्रीदामा जी कहिए, इधर आ। बोले बोलिए ना सब बैठे। बोले ना कान में ही कहूंगो। माने बोले कान पास में ला। तो पूछा कि और कितनी है? बोले अभी तो बहुत है। बोले अच्छा, फिर 200-300 और गए। जब 200-300 और, अब तो बेचारे बूढ़े सुदामा जी के तो प्राण निकलने वाले हैं मानो। बोले लाला हाँ कहिए। बोले कान में कहूंगो, सामने ना कह सकूं मैं। बोले क्या बात है श्रीदामा जी, आप तो कुछ कह भी ना रहे, बताओ जोर से। बोले ना कान पास में ला। और इस बार जब कन्हैया आए तो श्रीदामा जी ने बोला ये सब अपनी ही है? मतलब बोले जी सब अपनी है क्या, आप खुद की? बोले अरे सगी है अपनी पत्नी। पत्नी कौन सी आधी होती है? पूरी है एकदम, नो कजिन, ओन है और सगी एकदम। बोले तो नहीं, मुझे लगा कि कोई संत ब्राह्मण मेहमान आ जाते हैं तो पड़ोसी से लोग अपने पड़ोसियों को बुलाते, मैंने कही बात है। तो बोला ना ना हमारे घर के लोग इतने हैं कि पड़ोसियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रेम से बोलो। अच्छा अच्छा देख लाला, मैं बूढ़ो व्यक्ति कमजोर हूं, मेरा हाथ हार गया है, अब इससे आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता। इससे आगे तो बस मैं चाहता हूं कि इन सारी रानियों के पत्नियों के लिए तुम ही आओ, मैं तुम्हें ही आशीर्वाद दे देता हूं। मेरे भारत का ऋषि त्रिलोकी के नाथ को भी आशीर्वाद दे सकता है।
एक रात्रि से ज्यादा सोने के द्वारिका में श्री रामा जी रुके नहीं और एक ग्राम सोना मांगा भी नहीं था, न मांगा न मानो भगवान श्री कृष्ण की सामर्थ्य होई कि वो कुछ उन्हें दे सके। सोच रहे हैं कि मैं क्या दूं इस ब्राह्मण को, योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे टारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, पर भगत तो लेन न देन करे कछु बाको न टारे हो जाए। सच्चा भक्त तो कुछ मांगता नहीं है, भाई जिसको मुक्ति चाहिए मैं उसको मुक्ति दे देता हूं, जिसको भक्ति या जिसको योग चाहिए जिसको भोग चाहिए मैंने कहीं ले जा। लेकिन जो भक्त होते हैं वो तो कुछ मांगते ही नहीं है, उनसे लेन देन में तो इतनी कठिनाई होती है, मैं तो कुछ दे नहीं पाता। श्री रामा जी आते वक्त तो कन्हैया रोए थे जब श्री रामा जी आए थे, अब जब श्री रामा जी जा रहे हैं तो श्री रामा जी रो रहे हैं। श्री रामा जी क्यों रो रहे हैं? बोले लाला सबसे बड़ी कृपा तो तैने ये करी कि तुमने मुझे अपने पास में बुलाया, और उससे भी ज्यादा बड़ी कृपा तुमने ये करी कि बुलाकर कि तुमने मुझे कुछ दिया नहीं। अगर दे देते तो लोग कहते कि गरीब है कुछ मांगने गया होगा, और भक्ति के बदले में मांगना भक्ति नहीं सौदा है। प्रेम से बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। भक्ति के बगैर जीवन अधूरा है साहब। मांग रहे हैं हम गोविंद की, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। अद्भुत सौभाग्य है हम सभी लोगों का। कहते हैं कि जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आते हैं तो हमारी संस्कृति सुधर जाती है। हमारे बीच गौ सेवा मिशन के संरक्षक श्री संत शिरोमणि महाराज श्री कृष्णानंद जी महाराज पधारे हैं, जोरदार तालियों से इनको प्रणाम अभिनंदन। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री ठाकुर जी की तो कितनी कथाएं इन्होंने करवाई हैं, गौ सेवा गौ माता के लिए इन्होंने अपने जीवन को, अगर इनके चरण की धूरी पर भी कदाचित उन धूरी पर भी ऐसा भाव आ जाए कि हम इस वक्ता के ऊपर एक बार आना चाहते हैं, इनके चरण की धूरी की बात कह रहा हूं मैं, महाराज जी की अगर कृपा रही तो इनके सानिध्य में इनके हस्तवर्द के नीचे रहकर
साल की दो कथाएं मैं भी गौ सेवा मिशन के ओर से उनके लिए करूं महाराज। निर्मल मन रखने वाले इनके हृदय में पुनः बार बार प्रणाम करते हुए पुनः जोरदार तालियों से इनको हम अभिनंदन करें। यद्यपि तीन गकारों को हम भुला चुके हैं, चाहे वो ग से गीता कहो, ग से गंगा कहो, या ग से गौ माता कहो, और ये तीनों राष्ट्र धरोहर हैं। हमारे बिहारी जी तो गौ माता से इतना स्नेह करते कि वो जब गौ चराए वे जाते तो वो उस स्थान पर माता गौ माताओं को लेकर के जाते जिस स्थान पर कंकड़ पत्थर कम हो, हमारी गौ माताओं के चरणों में कष्ट न हो। जब तक गौ माता इस पृथ्वी पर है, सुरक्षित है, खुश है, प्रसन्न चित्त है, तब तक हमारे बिहारी जी भी हमारे साथ इस पृथ्वी पर है महाराज। प्रेम से बोलो गौ माता। और देखो, कथा के प्रारंभ में हो या कथा के मध्य में हो या कथा के अंत में हो, अगर कथा के प्रारंभ मध्य या अंत में किसी संत का दर्शन हो जाए तो आपका यहां आना सफल और मेरा कथा कहना सफल हो गया महाराज। अद्भुत। श्रीदामा जी, बिन विश्वास भक्ति नहीं। एक कन्हैया बुलाकर के जितनी कृपा करी उससे ज्यादा कृपा तो कुछ नहीं देकर करी है। गए, सब जानते हैं, अपने गांव में पहुंचे तो देखा कुटिया नहीं, वहां तो महल है। किसी से पूछा, बोले ये कौन सी नगरी, तो बोले ये सुदामापुरी है। बोले सुदामा, वो तो मेरा ही नाम है। अच्छा, बोले कहां गए आपके महाराज जी। बोले द्वारपालों से पूछा तो उन्होंने कहा वो तो द्वारका गए। सुदामा जी कहे द्वारका तो मैं ही गया था। अच्छा, बोले ये महल कितने दिन पहले बना। बोले वो तो हम नहीं जानते, जब हम आए थे तब तो ये महल था। सुदामा जी ने सोचा कि अगर महारानी आ जाएगी तो पता चल जाएगा, भाई सुदामा नाम के पंडित जी भी हो सकते हैं, सेठ जी भी हो सकते हैं, क्या बात, दो नाम के, एक नाम के दो व्यक्ति होते ही हैं। तो कहा कि अपनी महारानी जी को बुलवाइए जरा। अब देखो, जब धन आता है ना तो ये भी आ ही जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। शरीर बढ़ रहा है मतलब वैभव बढ़ रहा है, लोगों को भोजन पर संयम रखना चाहिए। बंधुओं, भोजन पर संयम और भजन का आरंभ इस जीवन को संभाल देता है। जिसकी जिह्वा गड़बड़ रहती है उसका सब गड़बड़ रहेगा। हाँ, कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। भीम पलाश्री का आनंद है। वाणी ऐसी होनी चाहिए जो कहने वाला अगर कुछ कह रहा है तो उसे भी आनंद आए और सुनने वाले को भी मजा आए। भोजन अगर है तो उतना ही पाओ जितनी भूख मिटाए, और भजन तो जब तक प्राण न निकले, जब तक तुम कर सकते हो। जिस प्रकार नोटों की गड्डियों को गिनने में नहीं थकते लोग, लेकिन माला ज्वेलरी हाथ में रखने से थक जाते हैं,
24 घंटों में 3 घंटे कसरत करने में नहीं थकते लोग, लेकिन माता पिता के चरण को दबाने में थक जाते हैं। किसी गरीब को देने के लिए लोगों के पास 10 रुपए नहीं होते, मगर किसी होटल में जाकर के उस वेटर को टिप देने के लिए 100 रुपए होते हैं। अपने स्टेटस को बढ़ाना है, अपनी श्रेष्ठता के शिखर पर रहना है, योग के उत्तुंग शिखर पर जाना है, तो राधा रानी का सहारा लेना पड़ेगा, राधा रानी को सहारा बनाना पड़ेगा। अरे जो अनवैद्य अनादि अनंत अखंड अनूप अकाम है, जागि निरूप ही वेद सदा, जो कि नित्य निरीह निरंजन नाम है, जो घन रंजन दुख विभंजन गंजन गर्भ हरि सुख दाम है, सोही त्रिलोकी को नाथ अली वृषभान लली की गली को गुलाम है। प्रेम से बोलो, वो उसकी गली का गुलाम है। श्री दामा जी ने जब कहा महारानी को बुलवाइए कि पत्नी को देख करके पता लगेगी, अगर जे हमारी पत्नी है तो पता लग जाएगा कि जे महल मेरा है, और अगर हमारी पत्नी नहीं है जे महारानी होगी तो हमें बता देगी कि हमारी कुटिया कहां गई। देखा और जो सामने से आ रही थी महाराज, वो तो बटवृक्ष एकदम बढ़ करके आ रहा है। श्रीदामा जी ने सोची कि जे तो हमारी पत्नी हो ही ना सके, हम जब छोड़ के गए थे तब तो बेचारी सूखी काट सी थी। देखा बोले असंभव, बोले देवी जी वो हमारी कुटिया कहां है, वो हम कुछ दिन पहले यहां पर छोड़ के गए थे लेकिन अब नहीं है। उनने कही कि आप मुझे देवी जी क्यों कह रहे हैं? अरे मैं पत्नी हूं आपकी, सुशीला, भूल गए? बोले सुशीला? बोले जी कैसे हो गया ये इतना? बोले अरे तुम जानते नहीं हो, उस कन्हैया आपके कन्हैया ने आपके मित्र ने हम पर कृपा कर दी। तो श्री रामा जी ने कही तुम पर खूब कृपा करी, हमारी तो धोती अभी भी फटी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री रामा जी ने कहा तुम्हें ऐश्वर्य में रहना था, तुम रहो लेकिन मैं नहीं रहूंगा। जाने लगे तो महल से दौड़ता हुआ मेरे बांके बिहारी ने पुकारा है, श्रीदामा जी रुक जाइए रुक जाइए, गले से लगाया और कहा ये जो महल है ना ये मैंने आपको दिया तोहफे में है बस। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। इस तन से सेवा कीजिएगा, मन से दान करिएगा, मन से उसका स्मरण करिएगा। तन पवित्र सेवा किए, श्रीदामा जी को गले से लगाया। बंधुओं सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। वसुदेव जी ने सूर्य ग्रहण के उपलक्ष में यज्ञ किया, समस्त ब्रजवासी आए, राधा रानी का दर्शन, गोपियां, कमेल मिलाप श्री रुक्मणी आदि रानियों के साथ में हुआ। सज्जनों यदु जी महाराज को दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं का वर्णन किया। पृथ्वी वायु राकाश अपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरह सिंधो पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर भग
कुमारी शरकृत सर्प पूर्ण नाभि सुपेश पृथ्वी वायु आकाश आदि 24 गुरुओं का वर्णन किया। देखो गुरु जीवन में होना चाहिए, किसी शरीर में अगर आपकी आस्था उतनी दृढ़ नहीं हुई तो त्रिभुवन गुरु श्री महादेव को बनाओ, और वो भी समझ में नहीं आता तो महाराज जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु बनाओ, बिल्कुल गुरु होना ही चाहिए। गुरु जो हमारे शिष्य के भीतर छुपे हुए अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश कर दे, मानो निकाल के जड़ से बाहर फेंक दे। मास्टर जी मत बनाना कभी, वो गौ माने गधा पढ़ाएंगे, गौ माने गणेश तो गुरु ही पढ़ा सकता है। 24 गुरुओं का वर्णन किया। गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो विपिन बतावे, गुरु वही जो संत सेवावे। मेरे बिहारी जी के जो पुत्र हैं, जितने यदुवंशी संतों का मान नहीं करते, वो मान रखते भी नहीं, तो प्रभु उनको खूब समझाते, देखो मान जाओ, मैं त्रिलोकी नाथ सही, लेकिन जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतना पड़ेगा और मैं भी भुगतूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं, सचेत कर रहा हूं, मान जाओ। उन माताओं से भी निवेदन, उन पिताओं से भी निवेदन, बालकों को एक उम्र आ जाने के बाद रोज रोज समझाने की जरूरत नहीं है। When he is 21 years old, 21 साल से बढ़ के हो गया है, जानकार हो गया है, अगर पिताजी के चप्पल उसके चरणों में अटने लगे हैं, अगर 3 बार समझाओ, मेरे बिहारी जी ने जैसे समझाया, मानते नहीं मेरे पुत्र मेरी बात को तो भोगेंगे, छल वो मेरे साथ नहीं अपने साथ कर रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा जो जस कही सो तस फल चाखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है कोई ना काऊ सुख दुख कर दाता, मैं करूंगा तो मुझे भुगतना है, आपको नहीं और कोई और भोगेगा भी नहीं, इसलिए कर्म अच्छे रखो आप। कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना, 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 मन राखहूं जहां कृपा कर से कर्म करहु दिना। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती, जब इन रेखाओं को देखते हैं, इन हाथों को देखते हैं, कराग्रे कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है,
वसते लक्ष्मी, यानी कर्म करोगे तो माता लक्ष्मी यानी धन की प्राप्ति तो होगी। कर्मद्य सरस्वती, उस कर्म की राह पर अगर निश्चल निष्काम भाव से बढ़ोगे आगे तो सरस्वती यानी ज्ञान भी मिलेगा। और कर्म करते करते हर काम में तुम्हारी निष्कामता आ गई तो साथ में कर्मूले तो गोविंद, तुम्हें तुम्हारा बांके बिहारी भी मिल जाएगा। महाराज प्रेम से बोलो, और सब जानते हैं यदुवंशियों को वो भोगना पड़ा जो कभी सोच नहीं सकते थे। मति मारी गई, संतों का श्राप लगा, आपस में लड़ झगड़ के मर गए सब। बलराम जी ने तो प्रभु को प्रणाम करके क्षीर सागर में शेष बन करके जाने की आज्ञा मांगी। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। हमारे प्रभु श्री कृष्ण लीलाओं को कर करके अब कह रहे हैं, जिस शरीर को लेकर के मैं आया था इस शरीर को मुझे त्यागना होगा। उन्होंने भी त्यागा है, वो भी गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जीवन मिलना भाग्य पर निर्भर है। बड़े भाग मानुष तन पावा, मृत्यु आना समय पर निर्भर है। लेकिन लोगों के हृदय में जीवन भर अमर हो जाना, उनके दिलों में प्रत्येक पल राज करना सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों पर निर्भर है महाराज, और किसी चीज पर नहीं। सिर्फ कर्म, जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे महाराज। आज भी स्वामी विवेकानंद हमारे हृदय में जीवित हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री डोंगरे जी महाराज, श्री तुलसीदास जी, कौन नहीं जानता इन्हें। ये नहीं पता लोगों को कि इन्होंने कभी विद्यालय का मुख देखा, कि कभी कॉलेज गए, कि कभी डिग्री हासिल करी, लेकिन भक्ति का सहारा लेकर के जो इन्होंने प्रभु श्री बिहारी जी को भजने के लिए जिन पदों का गान किया, आज उन पदों को पढ़ करके, उन पदों का बखान करके लोग डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, पीएचडी कदाचित हासिल कर रहे हैं, पीएचडी बन कर रहे हैं महाराज। देखो प्रेम से बोलो। कन्हैया ने सोचा कि समय आ गया है। लोग कहते हैं कि बाली को छुप करके मारा था, तो उन लोगों के मुंह पर ये एक और उधार चुका रहा हूं मैं। कभी ये नहीं कहेंगे कि छुप के क्यों मारा, विश्राम कर रहे हैं महाराज। और जिसके चरण कोमल हिरण के समान है, उस कोमल हिरण के समान युगल चरणों को देखा जब बहेलिया ने, उसने तो तुरंत बाण निकाल करके और निशाना साधा तो बिहारी जी के चरणों की ओर जाके सीधे जाके लगा। पहुंचा तो देखा गलती हो गई, प्रभु क्या करूं अब। बोले ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो होना ही था, जो होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होगा वो तुम कर नहीं सकते। मुझे जाना है और मैं इस प्रकार से जा रहा हूं। जाते जाते उधार चुकाया भाई, अगर समाज वालों की नजर में मैं छुप करके मारने वाला बना हूं तो कोई मुझे छुप करके जरूर मारेगा। यद्यपि मेरे प्रभु श्री राम ने किसी बाली को छुप करके मारा था, लेकिन बहुत कारण है महाराज, कभी खोल करके पढ़ो। बाली ने एक देव सिद्ध कर लिया था, श्री पुंडरीक जी महाराज अपनी कथा में बता रहे थे, मैं सुन रहा था। बोले बाली ने एक देवता, एक दैत्य, प्रेम से बोलो राधे राधे, एक दैत्य सिद्ध कर रखा था। और सिद्ध उसने क्या किया, बोले उस दैत्य की कृपा ऐसी थी कि बाली के सामने युद्ध करने वाला कोई भी अगर आ जाए
तो उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। हाँ, तो मेरे प्रभु ने कहा, अच्छा जब बाली का देवता लड़ रहा है मेरे भक्त सुग्रीव के साथ, तो फिर सुग्रीव नहीं, सुग्रीव का देवता लड़ेगा फिर उसके साथ। अब यहां पर बात भाई भाई की नहीं, बाली ने जिसका सहारा लिया तो सुग्रीव को भी सहारा मैं दूंगा। और महाराज छुप करके नहीं मारा, भाई की पत्नी को कैद करके रखने वाले की गति यही होनी चाहिए। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, बाली ने जब कहा तो मेरे प्रभु ने कहा तुम्हारे कर्म कैसे हैं? कर्मों को देखा है कभी? धर्म के विरुद्ध चलने वालों की गति यही होनी चाहिए और यही होती रहेगी जब तक श्री राम जी का राज्य चलता रहेगा। प्रेम से बोलो। और सब जानते हैं श्रीमद् भागवताख्योयम् प्रत्यक्षम् प्रत्यक्षः कृष्णयेव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थे भवसागरे। ये साक्षात मेरे बिहारी जी हैं और ये मैं नहीं कह रहा, ब्रह्मा जी ने कदाचित निश्चित कर दिया। श्रीमद् भागवताख्योयम् मेरे बिहारी जी ने लगभग 125 वर्ष की आयु को धारण करके या 125 वर्ष लगभग लीलाओं को संपन्न करके, भक्तों को दर्शन दे करके, दैत्यों का उद्धार करके, संतों पर कृपा या संतों की कृपा लेकर के अपने इस शरीर का त्याग किया है जिस रूप में वो आए थे, और उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकली जो 7 बार आकाश मंडल में घूम करके श्रीमद् भागवत जी में समा गई है। और उस समय से ब्रह्मा जी ने इस बात को कह दिया कि ये कोई ग्रंथ नहीं, कोई कहानी, कोई लिखा हुआ लेख, कोई पोथी नहीं। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये साक्षात मेरे कृष्ण है और कुछ नहीं है। व्यास जी से किसी ने प्रश्न किया था, बड़ा कमाल का प्रश्न, बोले त्रेता में तो रावण के सामने राम जी थे, द्वापर में श्री कृष्ण आ गए थे कंस जैसों का उद्धार करने, कलयुग में कौन आएगा? और माफ करना, त्रेता में तो रावण एक था लेकिन कलयुग में रावण जैसे घर घर में पाए जा रहे हैं, अपनी नाम का, अपने वैभव का, अपनी संपत्ति का, अपने घर का अभिमान हर किसी को हो रहा है। मैंने तीसरे दिन की कथा में आपसे ये बात कही थी कि रावण बैठा बैठा यही सोचता होगा कि मेरा तो बस एक पुतला जल रहा है, वरना असली दिमाग तो, असली रावण तो दिल और दिमाग में पल रहा है। प्रेम से बोलो। रावण तो घर घर में पाया जा रहा है, लेकिन उस त्रेता में एक रावण के होने पर मेरे प्रभु को आना पड़ा। द्वापर में एक कंस था और उस कंस के लिए हमारे बिहारी जी आए, लेकिन आज जो घर घर में रावण पाया जा रहा है, देखा जा रहा है, इस घर में उपस्थित कंस जैसों के लिए, हिरण्यकश्यपु जैसों के लिए कौन नरसिंह बन के आएगा, कौन राम जी बनेंगे, कौन कृष्ण बनेगा, प्रभु कब अवतार लेंगे, इनका उद्धार कैसे होगा, घर घर में इनको जाना पड़ेगा तो कैसे पहुंचेंगे? तो व्यास जी ने कहा उनको आने की आवश्यकता नहीं है, उनको तो खोलने की आवश्यकता है। क्या मतलब? बोले त्रेता में उपस्थित रावण का उद्धार करने के लिए राम जी पधारे, द्वापर में उपस्थित कंस का उद्धार करने के लिए कृष्ण जी को आना पड़ा,
और कलयुग में उपस्थित हजारों हजार रावण और कंस जैसों का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को घर में लेकर आओ, श्री रामचरितमानस को घर पे लेकर आओ, अपने आप उद्धार हो जाएगा महाराज। विदुर की याद आई थी कन्हैया को अंत अंत में, हम चाहते हैं कि हम उसकी याद करें अंत समय में, लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नागी, अंत राम कह आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन करा। चाहेंगे तो भी उसका नाम नहीं निकलेगा अंत समय में राजा परीक्षित, इसलिए कुछ तो अच्छा कर ले बंदे, वरना इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, सब धरा रह जाएगा। पहला प्रश्न तुमने मुझसे ये किया था कि प्रभु जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है। आज इन 7 दिनों की कथा को सुनाने के बाद मैं तुझसे एक प्रश्न करता हूं राजन, कहो क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने गोविंद की कथा नहीं, गोविंद को ही हृदय में बसा लिया था साहब। सुखदेव स्वामी के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर बड़ा कमाल का दिया है, प्रभु सवाल मेरे मरने का यदि है तो जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा कैसे? मैं तो एक शुद्ध चिन्मय मुक्त शाश्वत आत्मा हूं जो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, आज इस शरीर को छोड़कर के वो आत्मा कल किसी और पर जाएगी, ये तक्षक सर्प आएगा तो मेरे शरीर को डसेगा, मैं कभी मर नहीं सकता, आत्मा कभी जलती नहीं कभी मरती नहीं। गोविंद गीता में कहते हैं ना, नैनम चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद अंत्यापो न शोषयति मारुतः। बस परीक्षित तुम्हारी कथा को सुनना एकदम सफल हुआ है, तुमने जो उस कथा का रसा स्वादन किया ये उत्तर बता रहा है कि तुमने गोविंद की कथा को केवल सुना ही नहीं, उस पर चिंतन मनन और निधिध्यासन भी किया है। केवल सुनने से क्या होगा, सुननी तो चाहिए ही, वो तो एक मस्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट है, बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, लेकिन सुनने से ही बदलाव नहीं आएगा, सुन करके इन बातों पर अमल करना पड़ेगा। सुखदेव स्वामी का पूजन राजा परीक्षित ने किया, सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया संतों ने, जा रहे हैं, प्रेम से बोलो सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को देख रहे हैं, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता नहीं, तुम्हारे जीवन में प्रताप मेरी इस कथा से ज्यादा संतों के आशीर्वाद ने दिया है, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। बोले गोविंद की कथा को सुनकर के तो व्यक्ति का जीवन बदल ही जाता है, लेकिन पापी व्यक्ति जो अपने जीवन को कभी बदल नहीं पाता, उनके जीवन में ऐसे संत पदार्थ हैं महाराज तो उनका जीवन बदल जाता है, प्रेम से बोलो। और ऐसे तुम अत्र वशिष्ठ श्यवन शरद्वान अरिष्ट नेमे भृगुरंगिराश्च पारा शरो गाधि सुतोथ राम उतत्य इंद्र प्रमदेत्म बाहु, ऐसे ऐसे संत अगर आए तुम्हारे पास तो तुम्हें चिंता नहीं, आओ मेरे साथ भागवत जी के अंतिम श्लोक का गान मेरे साथ करो राजा परीक्षित, मैं कहूंगा 4 बार तो तुम भी कहना, आप सब भी कहना मेरे साथ, फिर पूज्य महाराज जी के आशीर्वचन को सुनकर के हम राधा रानी को प्रणाम करेंगे बड़े भाव से, प्रेम से बोलो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम।
पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः स्वं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः त्वं नमामि हरिं परम त्वं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः स्वं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः त्वं नमामि हरिं परम त्वं नमामि हरिं परम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री राधा रमण लाल की जय। मैं महाराज जी से प्रार्थना करूं कि संत पधारे हैं तो संत वाणी भी कदाचित हम जैसे पतितों को पावन बनाने के लिए इनके मुखारविंद से निकले। दो मिनट हम सभी लोग इनके उस अमृतमय वाणी का रसास्वादन करें, फिर श्री राधा रानी को हम सभी लोग प्रणाम करेंगे। बड़े भाव से भागवत जी की आरती का गान उसके बाद में किया जाएगा। जय श्री कृष्ण। राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। सर्वदेवमयी श्री गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री जय जय। मेरे बहुत ही प्रिय श्री विष्णु पाठक जी के लाडले सुपुत्र व्यासपीठ पर शोभित श्री सुवन जी की दिव्य वाणी का लाभ आप सबने 7 दिनों तक लिया है और अंतिम क्षणों में मेरे को भी ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जे भव्य दिव्य सुंदर मंदिर की सारी ही सेवा को करके अपने जीवन को धन्य करने वाले बाऊ श्री मनोहर लाल जी और उनके साथ जितना भी इस क्षेत्र का सनातन धर्म की पावन परंपराओं को समर्पित जितने भी सेवक जन परिवार हैं उन सब के लिए शुभ मंगल कामना। आप महानगर निवासी परम भाग्यशाली हैं। जे इंद्रप्रस्थ नगरी है, जे धर्मराज युधिष्ठिर का नगर है, पुत्र आत्मा धर्म की ध्वजा सारे विश्व में फहराने वाले
पांडवों की कर्म भूमि है और आप सबका सौभाग्य है कि आपको जहाँ वास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्राय नित्य ही उठ करके धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया करें, जिनकी अंतरात्मा आज भी जहाँ बसी हुई है, दिल्ली महानगर ने, इंद्रप्रस्थ ने पूर्व समय से ही सारे भारतवर्ष का जहाँ से संचालन किया है, जहाँ से ही सब देश की राजनीति, देश का धर्म आदि का संचालन हुआ है और आज भी महानगर दिल्ली निवासियों से सारे देश को बहुत बड़ी आस है, इच्छा है। आज वर्तमान समय में हमारा राष्ट्र अनेकों अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है और उसके लिए आप सब ने बहुत बड़ा कार्य करना है। ऐसा प्रेरणादायी कार्य दिल्ली महानगर से हो कि सारे भारत के लिए प्रेरणा बने, तो मैं निवेदन करूँगा कि वर्तमान समय में सर्वदेवमयी गौ माँ की सेवा और रक्षा हो, जे समय की बहुत बड़ी जरूरत है। हम अपने उन पूर्वजों को नमन करते हैं जिन्होंने गौ माता की सेवा से, गौ माता की कृपा से विश्व गुरु होने का और सोने की चिड़िया के देश के वासी होने का गौरव पाया था और आज हम हमारा देश किस दयनीय स्थिति में है, कितने संकटों से घिरा हुआ है, भली भांति परिचित हैं। कुछ समय पहले की बात है, हमारे श्री विष्णु पाठक जी के द्वारा पूज्य श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी का कलकत्ता में बहुत बड़ा श्री भागवत जी का आयोजन था। वहाँ की सुप्रसिद्ध काकड़गुंची ग्राउंड में, जहाँ लाखों सनातन धर्मी बैठ करके सत्संग का लाभ लेते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा भव्य दिव्य आयोजन था और जितना मंच संचालन था वो हमारे विष्णु पाठक जी कर रहे थे। एक अस्पताल के निमित्त वो कथा थी जिसका अरबों रुपये बजट था। स्वयं बिरला जी उसके मुख्य संरक्षक थे, जिन्होंने 5 करोड़ रुपये अपने संस्था की तरफ से दिया था और भी महानगर की बहुत सारे धनाढ्य परिवारों ने उसमें बहुत बड़ा योगदान डाला था। पूज्य ठाकुर जी ने हमको कहा कि महाराज जी आप कुछ दो शब्द कहें, तो हमने उस दिन गोवर्धन पूजा थी जिस दिन गए थे, तो हमने एक ही बात कही कि देखो आज हम सब अपने परिवार में बैठे हैं, आप हम सब अपने एक ही परिवार हैं, तो हमने कहा कि हम विचार करें कि क्या ये अस्पताल बना करके, हालांकि ये समय की जरूरत है, पर हमारी बीमारियों का कोई अंत हो जाएगा, दिख नहीं रहा है। आज से 30-40 वर्ष पहले देखें, जो जहां बड़े लोग बैठे हुए हैं सब जानते हैं, हमारे 10-20 गांव में कोई एक आध वैद्य डॉक्टर होता था, बड़े शहरों में कोई एक आध अस्पताल होता था, पर आज वर्तमान समय की स्थिति हम सब के सामने है। हमारे छोटे छोटे गांवों भी आज अस्पतालों की भरमार हो गई है, शहरों में भी अस्पतालों का कोई अंत नहीं है, बीमारियों का प्रकोप इतना बढ़ता जा रहा है कि हमारे डॉक्टरों को पता नहीं चल रहा है कि इतनी भयानक बीमारियों का इलाज कैसे करें। माँ के पेट में से छोटे छोटे बच्चे आज कैंसर जैसी, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों से पीड़ित पैदा हो रहे हैं। घर भी एक अस्पताल जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि घर में कोई भाग्यशाली घर ऐसे होंगे जहाँ बिना दवाइयों के काम चल रहा होगा, आदमी चलता फिरता अस्पताल बन गया है। तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे बुजुर्ग स्वस्थ क्यों थे, 100-100 साल की आयु में उनके दांत नहीं जाते थे, आंखों की रोशनी नहीं जाती थी, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों के उनको नाम भी नहीं सुने थे।
तो कारण क्या था कि उनके जीवन में सर्वदेवमयी गौ माता थी। गौ माता का पंचगव्य दूध अमृत उनके जीवन में था और उसी के कारण वो स्वस्थ थे। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा है, प्रथम सुख निरोगी का है, देश की सेवा, अपने घर बार को संभालना, अपने व्यापार को संभालना, सब पहले सुंदर स्वस्थ होना चाहिए। तो सर्वदेवमयी गौ माता इस विश्व का सर्वोत्तम वैद्य है और आज हमारा समाज उसी के पंचगव्य दूध अमृत से वंचित है और उसी के कारण आज हमारी बीमारियों का अंत नहीं हो रहा है। ठीक है, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज बनने चाहिए, ये भी समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है, पर सर्वदेवमयी गौ माता तो हमारे समाज का, राष्ट्र का, देश का रक्षा कवच है। जिस क्षेत्र में हम गौ माता को नहीं संभाल पाए, वो भारत का भले ही कोई भी क्षेत्र हो, अरुणाचल, सिक्किम, केरला, कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है, और भी बंगाल आदि के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस जगह में गाय सुरक्षित नहीं है, वो वहाँ पर हमारा हिंदू समाज, सनातन धर्मी समाज कभी सुख चैन की नींद नहीं सोया है। इसलिए हम सबको, विशेष रूप से महानगर निवासियों को, बहुत बड़ा प्रयास करना होगा गौ माँ की सेवा रक्षा हो, कैसे हो, उसके लिए हम सबको विचार करना होगा। दिल्ली क्षेत्र में जितनी भी गौशालाएँ हैं वहाँ सहयोग करें, वृंदावन आदि में गौशालाएँ हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी गौ माता की सेवा हो रही है, अपने जीवन में गौ सेवा करें। गौ माता का अमृत जैसा दूध हमारे घर में आए, उसके लिए हम प्रयास करें, जो समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उसके साथ साथ और भी क्या करें, भगवान की आराधना में बहुत बड़ा बल है। आपको अभी अभी हनुमान चालीसा से क्या अनुष्ठान चल रहा है, आपको बांटे गए हैं, तो आप अपने जीवन में भगवत आराधना के द्वारा एक बहुत बड़ा यज्ञ करें, जिससे सर्वदेवमयी गौ माँ की सेवा हो, सनातन धर्म की पावन परंपराओं की रक्षा हो, हमारे राष्ट्र का मंगल हो। 108 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए, क्योंकि भारत माँ हमारी माँ है, उसके गोदी में हम पले हैं, उसी गोदी में रह रहे हैं, उसका वैभव विश्व में बड़े, सर्वदेवमयी गौ माँ की सेवा रक्षा हो, हमारा लोक और परलोक मंगलमय हो, उसके लिए आप अपने जीवन में जितना भी बन पाए भागवत आराधना करें। विशेष रूप से हनुमान जी सदा ही भक्तों के रक्षक हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, तो कम से कम प्रत्येक सनातन हिंदू को 11 हनुमान चालीसे के पाठ नित्य करने चाहिए, उसका संकल्प लेना चाहिए, अपने बच्चों को कराने चाहिए और आसपास में जितना भी अपना संपर्क हो 11 हनुमान चालीसे कम से कम करें, ज़्यादा कर सकें तो और अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम लें, सुंदरकांड का पाठ करें, माँ भगवती जगदम्बा, भगवान शिव की, अपने जो आदि अनादि देवी देवता है उनकी आराधना करें। अभी अभी बहुत सुंदर शिव जी ने बताया, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस, श्री गीता जी को अपने घर में रखें, समय समय पर उनका पाठ पठन करें, और जिससे हमको सनातन धर्म की पावन परंपराओं का ज्ञान रहे, भगवत आराधना करते हुए हम अपने राष्ट्र की रक्षा करें। महानगर वासियों के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना है, क्योंकि आप बिहारी जी के बिल्कुल पास में बसते हैं, हम तो पंजाब आदि क्षेत्रों से बहुत दूर आते हैं, तो बिहारी जी ने आप पर बहुत कृपा कर रखी है, और फिर इंद्रप्रस्थ तो पांडवों की नगरी है, धर्म की नगरी है, और आपको जहाँ वास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मेरा यही निवेदन है कि अपने मंगल के लिए हमने, प्रभु ने जो हमको समर्थ्य दी है, गौ माता की सेवा करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम गुणगान करें, स्वयं भी करें, अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार डालें। अभी अभी मैं कल ही प्रयाग कुंभ से आ रहा हूँ, एक भारतवर्ष का बहुत बड़ा दिव्य
जो वहाँ का वातावरण जिसने सारे विश्व को अपनी तरफ आकर्षण किया, वहाँ पर करोड़ों करोड़ों भक्तों ने पहुँच करके माँ भगवती त्रिवेणी का दर्शन स्नान किया, करोड़ों करोड़ों महापुरुषों का वहाँ दर्शन हुआ। तो ये भगवत आराधना का बहुत बड़ा बल है जिससे हम सबका मंगल होगा। जो जा पाए हैं उनको वहाँ भी आनंद आया है, जिन्होंने घर में उस दिव्य कुंभ का दर्शन किया है वो भी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों गुरुजनों की देन है जिन्होंने जो हमको तीर्थ दिए हैं, तीर्थों की महिमा बताई है। तो आज सारे विश्व ने भारत की उस महिमा को देख करके उनको नमन किया है। तो हम सबका सौभाग्य है कि हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है, अपनी परंपराओं को निभाते हुए गौ माता की सेवा भगवत आराधना करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। बाबू मनोहर लाल जी के लिए और उनके सभी परिकर के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। जिन भाग्यशाली परिवारों ने इस महायज्ञ में अपना सहयोग किया है उनके लिए बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद। आने वाले समय में भी आपके जीवन में भगवत आराधना के ऐसे सुंदर अवसर प्राप्त हों, ऐसा ही कहते हुए लाडले श्री शिवम जी के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। एक व्यास के लिए के जीवन में जो अच्छा भाव होना चाहिए, कहने की एक सुंदर शैली होनी चाहिए, वो सब शिवम जी को और इसके पीछे हमारे विष्णु पाठक जी की बहुत बड़ी मेहनत है और मेहनत रंग लाती है, उसी का परिणाम है। शिवम जी बहुत सुंदर भाव में कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान और गौ माता इनके ऊपर कृपा करे, इनको बहुत बड़ा बल दे जिससे गौ माता की सेवा सनातन धर्म की सेवा रक्षा करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। इतना ही कहते हुए पुनः फिर निवेदन, जो हनुमान चालीसे के पाठ का अनुष्ठान है ये विश्व मंगल गो मंगल के लिए है। आप अपने जीवन में हनुमान जी को साथ लेके चलेंगे तो दुर्गम का जगत के जेते शुभ मनुग्रह तुमरे देते, आपके लोक और परलोक दोनों ही मंगल में बनेंगे। आप अपने जीवन में हनुमान जी की आराधना वच करें। बड़े दयालु देवता हैं, भगवान श्री राम के लाडले हैं और इनका विशेषता ये है कि तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख सरावें। आपके इष्ट भगवान राम हैं तो आपको राम के चरणों में, और अगर गोविंद हैं तो वहाँ वृंदावन में पचा देंगे, और शिव तो ये स्वयं ही हैं। तो इसलिए खूब भगवत आराधना करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री जय जय श्री। जिस गंगा का हम पान कर रहे थे और अब इंतजार हो रहा है महाराज कब आरती हो, प्रेम से बोलो राधे राधे। आहा, सात दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। सभी धन्यवाद के पात्र है श्रीमान कमल शेखर जी एवं कमल ग्रोवर जी एवं शेखर ग्रोवर जी, इनके अद्भुत भावना के फलस्वरूप ये जो कार्य सफलता की ओर है, जिनकी माता तो कीर्ति नगर की शान है, आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारी। कौन नहीं जानता उन्हें, उनकी सेवा भाव को, उनके उस तप को जो उन्होंने अपने जीवन में किया है, इस मंदिर को जो सेवा उन्होंने दी है, बहुत सुंदर परिवार, बहुत सुंदर विचार रखने वाले लोग, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उन ग्रोवर परिवार के सभी लोगों के लिए जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें, जिसकी भक्तिपूर्ण भावना ऐसी। और सज्जनों जिनके यहां पर हम निवास कर रहे हैं, श्रीमान विक्की अंकल जी जिनके पूज्य पिताजी हमारे दादाजी प्रवीण दादाजी हैं, देखो बड़ी बात ये नहीं है कि आप तन दे रहे हो या किसी धन के माध्यम से सेवा दे रहे हो,
सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति अपने समय को दे रहा है। आज लोगों के पास गोविंद के लिए समय ही नहीं है, उसे धन और वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, वो तो हम श्रद्धा से चढ़ाते हैं और जितना दें उतना उसके सामने कम है साहब। लेकिन अगर उसे सबसे प्रिय कोई चीज लगती है तो वो होता है समय। एक भक्त अपने इष्ट को दे, एक पुत्र अपने पिता को दे, एक पत्नी अपने पति या एक पति अपने पत्नी को दे, समय चाहते हैं लोग। और बीइंग अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होने के नाते, एनसीआर प्लाईवुड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते, हमारे विक्की अंकल ने 7 दिनों तक, मैं देखता हूं बैठते नहीं है महाराज, खड़े रहते हैं। ऑल इंडिया प्लाईवुड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते 7 दिनों तक इन्होंने भी जो भाव सेवा अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हृदय से दी है, जो बिल्कुल करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करें, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सेवा भाव। और खूब सुंदर आप सभी लोग बड़े प्रेम से कथा सुन रहे थे, और उस सफलता का ये एक ऐसा परिणाम हुआ कि आज हमारे बीच भगवान के समान श्रीमान संत जी पधारे हैं और खूब आनंद से गोविंद की कथा में हम लोगों ने गोविंद की अद्भुत लीलाओं का श्रवण किया। बिहारी जी ने पुनः कृपा करी तो बिहारी जी के कृपा पात्र श्रीमान मनोहर दादाजी का आशीर्वाद हम सबको जिस प्रकार से मिला है और कृपा रहेगी तो प्रति वर्ष मिलता रहेगा, ऐसे बिहारी जी से प्रार्थना। श्री राधा रानी को प्रणाम कर लेते हैं महाराज, फिर हमारे मनोहर दादा जी भी आशीर्वाद प्रदान करेंगे हम सभी लोगों को। बड़े भाव से राधा रानी के नाम को सभी लोग गाएं। बोली अलबेली सरकार की। अच्छा जी को जिन्हें नृत्य करना हो मन में अगर कुछ बची है कसर तो यहाँ पर भी पूरी कर सकते हैं। एक भाव से ताली बजा कर बोलिए अलबेली सरकार के। महारानी लागी मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। तालियों की सेवा भाव से जी तो सावल सावल राधा गोरी गोरी। जमुना जी तो सावल सावल राधा गोरी गोरी। जमुना जी तो सावल सावल राधा गोरी गोरी। जमुना जी तो सामरी सामरी राधा गोरी गोरी। और वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। हाँ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। रस रूप की रंगीली रूप की रंगीली पट रानी लागे। महारानी लागे मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी राधा रानी Thank you.
माखन मिश्री और न कोई मिठाई, न भावे मन माखन मिश्री अभी न कोई मिठाई, मारी जी बरिया ने भावे राधा नाम मलाई, मारी जी बरिया ने भावे राधा नाम मलाई, विश्वभान की लली तू अलवेली सरकार की लागे। दिन आठो याम राधा राधा जो कोई गावे इस दिन आठो याम, उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, हम सबकी बाधा दूर करत है मुरली मनोहर श्याम, सबकी बाधा दूर करत है मुरली मनोहर श्याम, राधा नाम से सफल राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे माने खरो खरो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे, आ किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे, आ किशोरी नंदलाल किशोरी राधे, और राधा हमारी गोरी गोरी के नबल किशोरी कन्हैया मेरो कारो है श्री, राधा हमारी गोरी गोरी के नबल किशोरी ताली बजा के गाओ मेरो कारो है श्री, राधा हमारी गोरी गोरी के नबल किशोरी कन्हैया मेरो कारो है श्री, राधा हमारी गोरी गोरी की नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है, वो तो कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो यशोदा जी को प्यारो है, वो तो कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है श्री, हमारे गोरे गोरे के नबल किशोरी कन्हैया मेरो कारो है श्री, राधा हमारी गोरी गोरी की नबल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है, किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे, मारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हाँ
रानी लोकन में न्यारी राधा रानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी तीनों लोकन में तीनों लोकन में तीनों लोकन में न्यारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन में न्यारी राधा रानी हमारी राधे 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 समर्पयामि श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवि ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग पन्न कोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथी खोल सन मार्ग बताने वाला मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप
कराने वाला ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदय अरविन्दे अहम् भवानी सहितं नमामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण